हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो गुड रिया। आफ्टरनून मैम। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून मैम। ओम प्रकाश। गुड आफ्टरनून, मैम आवाज आ रही है? यस आ रही है रिया मीणा आपके पास? मैम। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई आई एम एम फाइन फाइन। मैम। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था याद है रिया? मैम मुझे ग्लोव में ऐड करो। क्या एक वो मैम मुझे ग्लोव में ऐड करो। किसको? मैम मेरे को रिया मीणा को, ओम प्रकाश को? नो मैम। मैम क्लास को ओम प्रकाश तो ग्रुप में बेटा ऐड है, तभी तो आप कनेक्ट हो रहे हो। ऐसे ऐड थोड़े व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो गया आप? नो मैम। मैम बेटा आप कांटेक्ट नंबर बता देना, कौन सा नंबर है? पांचवा एक बार कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, कौन से हैं? यस शर्मा, गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। धर्मेश, गुड आफ्टरनून। मेरे यस को इस नंबर को जोड़ दो। नंबर बताओ आप। 9 4 एक मिनट, 9 9 4 6 6 9 4 0 0 6 0 0 जिलो दो बार हो गया ना, 0 0 तीन 9 4 6 0 0 मैम। 1 बार क्या मैम छोटा छोटा दिख रहा है। साफ क्या दिख रहा है? छोटा छोटा मैम, साफ साफ मैम साफ से नहीं दिख रहा। से नहीं दिख रहा। आप बेटा आपकी स्क्रीन बड़ी करो, फोन की क्लिक कर हो ली गई, दिख गया बड़ा। मैम। ओके तो नंबर बोलो आप ओम प्रकाश जल्दी से, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करें अपन। लो बेटा मैं कहाँ देखूं, मैं भी क्लास ले रही हूँ, आप लोग 9 4 ये हाँ 9 4 9 6 0 0 और फिर 6 फिर आगे नहीं दिख रहा। हेलो एक मिनट में देख, मैम एक मिनट में हेलो मैं देख रही हूँ। 9 4 6 0 0 6 0 4 1 यस मैम। यस। नंबर भी जोड़ दो। किसके सबके जुड़े हुए हैं बेटा? बाद में बात करना, अभी क्लास लो आप। ठीक अभी क्लास लो, बेटा दिन से होमवर्क नहीं आला। क्या नहीं आ रहा? होमवर्क बेटा आप कॉल करके जुड़ाना। ये चैट बंद करो आप।
ओम प्रकाश यस मैम चैट बंद करो चैट ओके एक मिनट चालू रहना एक मिनट में नंबर ऐड कर रही हूँ चालू रखना हेलो हेलो यस मैम हाँ स्टार्ट करें यस मैम यस मैम सबको बोर्ड दिख रहा है यस मैम सबको यस मैम नो मैम ओके तो स्टूडेंट मैम लास्ट क्लास में हेल्पिंग कर मुट करो आप पहले लास्ट क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज पढ़ा था कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज पढ़ चुके हैं हम यूज ऑफ इज आर एम यूज ऑफ हैज एव हैड और वाज वर तो आज हम दूसरे अलग जो हेल्पिंग वर्ब है नेक्स्ट वो है अपनी डू डज एंड डिड ठीक है स्टूडेंट्स आज का टॉपिक जो टुडे टॉपिक डू डज एंड डिड डू का यूज कब होता है डज का कब होता है और डिड का कब होता है इस बारे में हम आज रीड करेंगे लर्न करेंगे सीखेंगे यूज ऑफ डू का यूज कब होता है मेनी नेमिंग वर्ड्स डू का यूज मेनी नेमिंग वर्ड्स के साथ डज का यूज वन नेमिंग वर्ड्स के साथ और डिड Did वन नेमिंग वर्ड के साथ भी होता है और मेनी नेमिंग वर्ड के साथ भी होता है बट ये पास्ट टेंस में होता है और do और does दोनों हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है इन तीनों का यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही होता है सिंपल सेंटेंस में इनका यूज नहीं होता इनका यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले सेंटेंस उनमें ही होता है फर्स्ट देखते हैं हम यूज ऑफ डज यूज ऑफ डज डज का यूज कब करेंगे वन नेमिंग वर्ड एंड ही सी इट और नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है पुट कर लो वन नेमिंग वर्ड क्या होता है कल मैंने बताया था वन नेमिंग वर्ड जिसमें वन नेम हो वन नेमिंग वर्ड दस
रिया मूड करने के लिए बोल रही हूँ मैं। यस मैम कर रहा हूँ। ईट ईट डज का यूज कब करेंगे? ही सी इट बाय नेमिंग वर्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव होते हैं नॉट वाले, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव होते हैं क्वेश्चन वाले, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डज का यूज होता है। और टेंस कौन सा होता है? कौन से टेंस में डू डज का यूज होता है? प्रेजेंट टेंस में डू डज का यूज होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही डू डज का यूज होता है। एग्जांपल के लिए देखिए आप, सी नॉट, नॉट आ गया। नॉट आते ही हम पहचान जाएंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। सी नॉट कुक फूड। सी नॉट कुक फूड, तो सी डज नॉट, सी डज नॉट कुक फूड। नेक्स्ट अपना है यूज ऑफ डू। डज का यूज था वन नेमिंग वर्ड और डू का यूज होगा मेनी नेमिंग वर्ड। वी यूज डू विथ मेनी नेमिंग वर्ड। याद रहना चाहिए डू, डू का मेनी नेमिंग वर्ड के लिए और डज का वन नेमिंग वर्ड के लिए। नेमिंग वर्ड्स एंड वी दे आई एंड यू, और इनका भी यूज किस में होता है? नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। एग्जांपल के लिए देखिए आप, दे not waste their time। not वाला है, negative है, तो किसका use होगा? do, do या does। not वाला sentence देखते ही आप पहचान जाओगे कि do या does दोनों में से एक fill करना है। तो डू का, डज का तो यूज ओनली वन नेमिंग वर्ड में होगा और डू का मेनी नेमिंग वर्ड। तो दे क्या है? मेनी नेमिंग वर्ड है, तो किसका यूज होगा? डू। ओके, थर्ड अपना है डिड। यूज ऑफ डिड, डिड जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में होता है। बट ये दोनों के लिए होता है, वन नेमिंग वर्ड के लिए और मेनी नेमिंग वर्ड दोनों के लिए डिड का यूज होता है और पास्ट टेंस में होता है इसका यूज। रिया अनमूट, रिया यस मैम अनमूट करो। आप अनमूट कैसे करते हो अपने आप ही? हम कर रहे हैं। जब मैं आपको मूट होने के, अनमूट होने के लिए बोलूं तभी हुआ हो या करो, ऐसे मूट अनमूट रखा करो, हमेशा मूट होना चाहिए। यूज ऑफ डिड, डिड का यूज कब करेंगे? वी यूज डिड विद वन नेमिंग वर्ड, वन नेमिंग वर्ड एंड
any naming word. Many naming word. One naming word और many naming word दोनों के लिए did का यूज होता है, वो भी किसमें? Negative और interrogative sentence में. He, she, it, I, we, and you, and they. इन सब के साथ did का यूज होता है, वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इसका एग्जांपल बता रही हूं मैं, ऊपर नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा आपको. एग्जाम्पल लिखिए. सी नॉट, सी डिड नॉट कुक फूड, कुक फूड. डिड का यूज होते ही हम समझ जाएंगे कि ये पहले नहीं होता था, यानी वह पहले खाना नहीं पकाती थी. और अगर डू आता है, डज आता है, तो हम समझेंगे वो अब नहीं करती ऐसा. और डिड आते ही वो पहले नहीं करती थी, पहले नहीं करती थी वो ऐसे. जैसे शी डिड नॉट कुक फूड, वो पहले खाना नहीं बनाती थी, पकाती थी. ठीक है, अगर मैं यहाँ डू डज कर दू, सी डज कर दू, तो वो अब नहीं पकाती है. डज, डज का मतलब अभी प्रेजेंट में वो नहीं करती है ऐसा काम, खाना नहीं पकाती है. ठीक है. Yes, ma'am. I think understand do, does and did. विजयलक्ष्मी, आप विजयलक्ष्मी अनमूट. विजयलक्ष्मी आपको अनमूट होने के लिए बोल रही हूँ मैं. विजयलक्ष्मी गुज्जर. यस मैम. विजयलक्ष्मी गुज्जर कहाँ हुए? विजयलक्ष्मी गुज्जर बेटा, आप लेट कनेक्ट कैसे हुए? आपको अनमूट होना नहीं आ रहा क्या? मान लेती. विजयलक्ष्मी नीचे आपके चिन्ह है, उस चिन्ह को क्लिक कर दीजिए. स्पीकर का चिन्ह बना हुआ है माइक के जैसा, उसको क्लिक कर दीजिए. विजयलक्ष्मी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद मेरी आवाज भी आप तक नहीं जा रही. मैम ने एक नहीं पकाया. अब हाँ, अब आ गई विजयलक्ष्मी की आवाज. अब तक करना आ गया मोटो और अनमोट. अभी लिमोन के लिए बोलूंगी तो वापस उसी को क्लिक कर देना. विजयलक्ष्मी आप लेट कैसे आए? ये रिया कुछ ज्यादा ही बोलती है. मैम नहीं बोल रहा मैं तो. रिया की आवाज आ रही है, नहीं बोल रही क्यों? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. This that. Yes, ma'am. Use of this that. आपने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ा होगा यूज ऑफ दिस दैट. दिस और दैट का यूज कब करते हैं? तो रिया मेरे को बताएगी दिस का यूज कब करते हैं. रिया. Yes, ma'am. इसका यूज कब करते हैं? इसका दिस, दिस दिस एंड दैट. दिस का लास्ट क्लास में पढ़ा होगा ना आपने, फर्स्ट क्लास में. यस मैम.
कब करते हैं मेरे को बताओ, नहीं आता? नो मैम। ओके चलो मैं बता रही हूँ आपको, दिस एंड दैट। दिस का यूज कोई चीज सिंगुलर हो, ये क्या सिंगुलर है? सिंगुलर है? यस मैम। एक ही है? यस मैम। मेरे पास में है तो मैं क्या बोलूंगी? दिस इज ए पेन। कोई चीज सिंगुलर हो और मेरे खुद के पास में हो तो दिस इज ए पेन या दिस इज ए मार्कर। अगर मैं वहां दे दूं, आपको दे दूं, तो मैं क्या बोलूंगी? दैट, दैट इज ए मार्कर। सिंगल हो, दूर हो, तो क्या होगा? दैट इज मार्कर। ठीक है, अगर कोई चीज पास में है, yes, ma'am. है तो क्या बोलेंगे? दिस इज ए मार्कर, पेन, जो भी है। और अगर कोई चीज दूर है, अपने से दूर that. है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज मार्कर। ओके, समझ में आ गया? दिस दैट, यस मैम, यस मैम। सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर नाउन फॉर नियर, पास के लिए, पास में हो। और दैट, दैट सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन हो और दूर हो, फार दूर हो, तो क्या आएगा? दैट। कोई चीज पास में हो और सिंगल हो तो दिस, और दूर हो और सिंगल हो तो दैट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे ये पेंसिल है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास में है, तो मैं बोलूंगी दिस इज पेंसिल, दिस इज पेंसिल, ए पेंसिल। एक ही है ना, इसलिए ए पेंसिल। और अगर इसी पेंसिल को मैं यहाँ रख दू, दूर रख दू, ठीक है, अगर मैं इसी पेंसिल को दूर रख दू, मेरे से दूर रख दिया मैंने, ये मेरे पास में है तो दिस इज ए पेंसिल, ये मैंने दूर रख दी तो क्या आएगा? दैट इज, दैट इज ए पेंसिल। समझ में आ गया दिस डेट का? यस मैम। अपने पास में हो कोई चीज और एक ही हो तो दिस, और कोई चीज दूर हो और सिंगल हो तो दैट का यूज होगा। अब नेक्स्ट अपने दीज एंड दोज, दीज एंड दोज, दीज एंड दोज, उसका यूज भी दिस एंड दैट की तरह ही होता है, बट ये प्यूरल में होता है, बहुवचन में होता है। दीज, जिसमें ज्यादा चीजें होती है, दीज प्यूरल में, प्यूरल हो, बहुवचन हो, एक से अधिक हो, वन मोर देन, एक से अधिक, प्यूरल नाउन हो, वन से अधिक हो और पास में हो, नियर, पास में हो तो दीज, और प्यूरल हो और दूर हो तो फार, दोज। प्यूरल हो और फार हो, दूर हो, और फार फन, इसका यूज होगा दोज। समझ में आ गया यहाँ तक? एग्जाम्पल करते हैं। yes, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये डबल पेंसिल है मेरे पास, डबल क्या है, ऐसे मान लो दो तीन पेंसिल है, एक से अधिक होनी चाहिए, कितनी भी हो सकती है, दो या तीन, कितनी भी हो सकती है, एक से अधिक हो तो मैं बोलूंगी दीज आर पेंसिल। दीज आर क्यों आया? क्योंकि प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। दीज आर पेंसिल्स। और अगर दूर हो, दूर हो तो क्या आएगा? दोज, दोज, दोज आर पेंसिल्स। पेंसिल्स क्यों आ रहा है?
क्योंकि प्लूरल है, एक से अधिक पेंसिल्स है, ये पेंसिल्स यहाँ रखी हुई है इसलिए दो जा गया। अगर इधर रखी हुई होती मेरे पास में होती तो दीज। समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। तीस से एट का दीज दोज का आ गया सारा समझ में? यस मैम। मैम इस होमवर्क को व्हाट्सएप कर देना। क्या? इस होमवर्क को व्हाट्सएप कर देना। हाँ बेटा व्हाट्सएप पे जरूर जाएगा ये वर्क, आप व्हाट्सएप पे से डू कर लेना। डू करके अगर हो सके तो मेरे को सेंड कर देना, सेंड नहीं करो तो आपकी नोटबुक में सफाई से वर्क होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर वर्क होना चाहिए। मैं क्लास में देख सकती हूँ और क्लास जब लेते हो तो नोटबुक आपके पास में होनी चाहिए। मैं कभी भी बोल किसी भी बच्चे को बोल सकती हूँ आप अपना वर्क दिखाओ। ओके मैम। है ना, तो आपको अपना कंप्लीट वर्क ही करना है, कंप्लीट वर्क पे होना चाहिए और वो भी सफाई से होना चाहिए। तो मैं एक बार दोबारा से समझा देती हूँ आपको, यूज ऑफ डू डज एंड डिड। तो डज का यूज वन नेमिंग वर्ड हो, ही सी और इट हो, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। डू डू का मैनी नेमिंग वर्ड हो, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है। डिड डिड का वन नेमिंग में भी होता है और मैनी नेमिंग में भी होता है। ही सी इट आई यू दे सबके साथ डिड का यूज होता है और पास्ट टेंस में होता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है, पास्ट टेंस में भी, पास्ट टेंस में। डू और डज का प्रेजेंट टेंस में होता है और डिड का यूज पास्ट टेंस में होता है। फिर अपना आ रहा है दिस दैट। दिस का यूज कोई चीज सिंगुलर हो और पास में हो तो दिस, और कोई चीज सिंगुलर हो और दूर हो तो दैट का यूज होगा। और कोई चीज एक से अधिक हो, वन मोर देन, एक से अधिक हो और अपने पास में हो तो दीज, और एक से अधिक हो और अपने से दूर हो तो दोज का यूज होगा। ओके समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ये दीक्षा मुवाल अभी लेट ज्वाइन किया आपने? यस मैम। कितना टाइम हो गया आपको स्टार्टिंग से देख रहे थे आप दीक्षा मुवाल? यस मैम। ओके ठीक है, बाय। यस मैम। लीव कर दूं क्लास? थैंक यू मैम। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। ओके।